4 जनवरी। ये बताइए कि आपने संतारो क्यों ले उड़ो, आप तो हाजा ताजा हो, कितना साल पहले आप सोची हो? 22 साल पहले आप सोची हो? भगवान की साक्षी से आपको श्री सोनी चोपड़ा जी को आज जीवन इंडिया संथाना का कच्चा स्थान है। माता जी गया जाए कि मैंने 90 साल ढूंढा लेने 90 साल में जब है तो मारे को 90 साल लिया ही गोनी एक माता जी ने तब आप कौन सी तारीख में संतारो लोला? जनवरी में 4 जनवरी। साक्षी में दुआ करूं मैं हमारी जिंदगी में पहली बार इस श्रावक देखे आपकी हर मनोकामना समाधि भावना ने साथ भगवान मुझको तुम कर दो वीर योगी। सब स्वीकृति है ना समाज के जितने व्यक्ति हैं जगह आप चाहो तो कई बोले कोई तो आप कुछ इधर तोड़ निकाल सको क्यों? आप 25 साल पहले सोचियो तो अबे तो आप हाजा ताजा क्यों संतारो लो? हाजा ताजा निकाले लो क्यों जा पड़े आपने क्या बात है? कल मालूम पड़ेगा कल का दिन क्या निकलेगा। अच्छा हाँ। तो आप इसके बदले में कुछ क्या बोलते हैं अपना प्रायश्चित लेके इसको आगे कर सकते हो? नहीं 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 प्रायश्चित तो कुछ भी नहीं, ये तो 5 दिन भी है नहीं। अब बैठे मिठाई घनी बनी थी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मैं ले लेता नहीं, फिर भी क्या है प्रायश्चित हो जाएगा। एक माला फेर देंगे ये तो ले लो खा लो एक माला फेर देंगे। नहीं कुछ नहीं प्रण तो प्रण ही नहीं ये बात है प्रण तो प्रण है हाँ प्रेम तो प्रेमी है। मैं ये पाली से अंकल हैं बोल रहे हैं कि इन्होंने 25 साल पहले सोचा था कि वो 90 साल के होंगे तब संतारा लेंगे और अभी पूरा परिवार बोल रहा है कि आप इसकी जगह प्रायश्चित कर लो और संतारा ना लो, लेकिन अंकल बोल रहे हैं मैं जनवरी में 2024 में संतारा लूंगा। और ये जैन धर्म की एक महान परंपरा है कि अब इतना जी लिया अब और क्या। और अंकल अब इस उम्र में तेला बिन क्या कही कही करो आप 5 द्रव्य माता आ गया बेला तेला 5 द्रव्य ले रहे हैं तो पर अंकल सोचो हाल थोड़ा सोचो आप ले ओ, मैंने सोच लिया तो मैंने तो परिग्रह नहीं रखा कुछ नहीं पैसा एक पैसा नहीं रखा ना सोना रखा ना चांदी रखा ना जमीन। पर अगर डॉक्टर बोलता आप हाजा ताजा नहीं होता तो डॉक्टर, समझ में आओ तो डॉक्टर तो बीमार पड़े तो घरे ले जाओ सेवा कर दो उन टाइम डॉक्टर के डॉक्टर की नहीं किया कि हाजा हाजा ले ना बीमार हुए जाने क्या कि लो जाओ घरे ले जाओ सेवा करो। हाँ तो उन टाइम लो अरे कहना उन टाइम लब है क्यों मैं बीमार पड़ना ही नहीं है अगर डॉक्टर बोले कि भाई अब समय नहीं बचा रहता अब संतारा लो तो समझ में आया। अंकल बोल रहे मैं हॉस्पिटल में मुंबई नहीं देखना चाहूं मतलब कोई नहीं करेगा पूरा परिवार जो है गौतम भाई रो काम रो ध्यान रखो पूरा परिवार यहां खड़ा है और आज हम लोग घरे आते ही मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहूं डॉक्टर को मना करे डॉक्टर कहे कि लाओ जाओ घरे ले जाओ सेवा करो। बहुत उत्साह है मतलब वो नहीं मतलब उत्साह है उनको मृत्यु दुख से नहीं ले रहा है उत्साह है दुख से नहीं ले रहा हूँ खुशी ले रहा हूँ सबको इनको और घर वालों को कह दिया भाई कोई मना मत करना
मैं राजीव भाई दीक्षा भी ले रही हूँ, अगर गुरुदेव दीक्षा दे दे तो बहुत बढ़िया रहे, नहीं देवे तो उनकी भावना मर्जी है उनकी। गुरुदेव तक पंकज भाई पहुंचा देगा वो क्या दीक्षा तो लोगे, लेकिन सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? साधु संत करे नहीं करे महाराज तो वो कोई साधु संत तैयार में जावे तो मैं दीक्षा लो नहीं तो आप दीक्षा लो उन्हें बाद भी तो आप संतारो लो एक दिन पहली दीक्षा लो संतारो लो तो वो तो 20 दिन 50 दिन 80 दिन 100 दिन तो घरवाला तो रहे झूठे जटे भी आप रहे उठे रहे घरवाला तो घरे रहो जाने तो इमेज करनी पड़ी के नहीं आप जटे उपाश्रम में भी रहे हो तो हाँ तो उठे तो मरा साहब कभी घरवाला आते नहीं लगा मुझे लगता नहीं कि लंबा घरवाला तो आते नहीं लगा सके इन्होंने इच्छा मृत्यु को इतना उत्साह बना दिया अभी जैसे इनको 50 दिन बाकी आज से 50 दिन में इनको 15 तपस्या करनी है 5 तेले करने हैं 15 दिन 45 15 दिन वो चले गए 5 पारने के 20 दिन चले गए पीछे 30 दिन रहे उसको इनको 5 द्रव्य लेने हैं तो क्या तो खाएंगे क्या इनमें रहेगी तो ये इतनी सेलेक्ट ना कर रहे हैं तो लंबा नहीं चलेगा। हाँ बस अब कोई कार नहीं कल खड़े अंकल का 24 तारीख भाई समझो और इसलिए कह रहे हैं तो आपको अगला जन्म में क्या क्या बनना है वो मालूम पड़े पहले क्या नहीं आप ही कहीं नहीं नहीं हमारे देवलोक भी नहीं जाना मोक्ष जाना देवलोक भी नहीं जाना मोक्ष जाने के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी भले एक दिन दीक्षा के लिए कह रहे हैं गुरुदेव को अर्ज किया ओके वो तैयार होंगे कोई दीक्षा और मंजिल सेवा करने वाले 6-10 दिन ही निकल जाए मंदिर मंदिर पिताजी इन 75 ले आई गया था अच्छा बोलो बहुत इतिहास आपने बम्बई था मोटा ज्वेलर से पाया नहीं कभी नहीं उनके तो मतलब आप जो मृत्यु को एक उत्सव बनाना चाहते हैं हाँ मृत्यु मृत्यु तो मृत्यु से खेलना चाहते हैं क्या मृत्यु से खेलना चाहते हैं मृत्यु क्या करे हमारे मृत्यु और आप चाहते हैं कि ये कोई दुख ना मनाए हाँ किसी को दुख तकलीफ हो ही नहीं सेवा करो अभी तक तो मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है तो ये अभी तक हमने सेवा नहीं की ये बात सही है हमारा मौका नहीं पड़ा सेवा करने का ऐसा अपना काम अभी तक सही ये जिले थे बाकी मैं तो मौके पर जाता हूँ थोड़ी बहुत दूर जाता रहता हूँ ये अभी यहाँ जाना है तब और कोई आपकी इच्छा मेरी इच्छा को बस एक दीक्षा की है दूसरी कोई इच्छा नहीं न मैंने तो कभी नहीं सोना चांदी पहनने भी नहीं किया और मोक्ष जाना है मोक्ष के लिए आप ये कर रहे हैं सब लेकिन आप 80 आपने 25 साल पहले सोचा था कि मैं 90 तक रहूंगा क्यों किया आपने 25 साल पहले क्यों प्रण ले लिया था कि मैं 90 तक पहुंचता हूं तो ले लूंगा लेकिन अगर उस हिसाब से देखें और अगर आप 80 में चले जाते चले तो आपकी सौगन का क्या होता सौगन का ये ऊपर वालों को मालूम है ना इतनी प्रबल थी वो तो भावना से तर जाते ना ऐसे चले जाए तो क्या मालूम पड़े कभी अभी भी चले जाए तो प्रबल हमारा संदर बाकी रह जाए अभी चले जाए तो क्या भावना से भावना खा के गिर के चले जाए भावना थी होकर खा के गिर के चले जाए तो क्या पता पड़े कोई संतर है कोई कुछ नहीं है बस भाव ही है वो बात अलग है इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अभी पूरा पूरा